zombie apocalypse. Back to my YouTube channel Indo English Learning. Dear students, today I will discuss about verbs, and we will know in this video that how we can find out the errors of verb. So first of all, we would know that what is verb. Okay, तो हमें देखना है कि verb क्या होती है, तो हम बात करेंगे verb के बारे में. तो verb क्या होती है ये हमें समझना है. यदि हमें verb के बारे में जानकारी है, if you know about verb, then we can find errors easily. If we are unknown about the verb, we will in difficult to find out the errors of verbs. So see, तो verb वो होती है जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है. कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में कर्ता द्वारा जो वर्क किया जाता है, कार्य किया जाता है, वो वर्क कहलाता है, राइट? अब देखते हैं हम वर्क का प्रयोग कैसे होना है. वर्क का प्रयोग सेंटेंस में कर्ता के अनुसार होता है, यानी कोई भी सेंटेंस दिया होता है लेकिन उसमें जो यूज किया जाता है वर्क का, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट? तो वो क्या है? वचन आप जानते हैं, there are two kinds of numbers, singular number and plural number. ठीक है ना, singular number और plural number. यानी कि एक वचन और बहुवचन दो होते हैं. तो यदि हमारा कर्ता एक वचन का है यानी सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब जो आएगी इसके साथ वो सिंगुलर नंबर की ही आएगी, अर्थात एक वचन की वर्ब आएगी. और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, अर्थात बहुवचन का है, तो वर्ब भी इसके साथ बहुवचन की ही आएगी. अब वो देखते हैं कैसे आएगी. मान लो जैसे ही रीड्स अ बुक, ये है. अब वर्ब क्या है इसमें? रीड्स. अब रीड्स आया, क्यों आया है? तो ये कैसा एक वचन है, सब्जेक्ट हमारा, इसलिए रीड्स का प्रयोग किया गया है. और यदि यही सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होता तो रीड आता. आपको पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग, तो विभाग का हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो कर्ता एक वचन के साथ वर्ब में ऐसे एस लगाते हैं, और बहुवचन के साथ केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. तो एक वचन इसलिए एस लगी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग एक वचन की क्रिया आ गई. और मान लो ये होता यू रीड अ बुक, ठीक. अब रीड आया है, डिफरेंस देख लीजिएगा आप यहां पर, देयर इज अ डिफरेंस रीड्स एंड रीड. अब ऐसा डिफरेंस क्यों है, अंतर क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आ गई, और सब्जेक्ट एक वचन का है, तो इसलिए वर्ब भी हमारी एक वचन की. लाइक दैट ये भी हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का, तो वर्ब भी इसके साथ बहुवचन की आ गई, राइट? तो इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस में वर्ब यूज की जाएगी, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज की जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है. अब बात आगे आती है कि वर्ब का प्रयोग कितने प्रकार से हो सकता है. तो वर्ब का प्रयोग हम तीन प्रकार के भागों में बांटकर कर सकते हैं, अर्थात तीन भागों में बांटकर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं. ट्राई टू नो व्हाट आर दे, वो कौन सी चीजें हैं, हमें जानने का प्रयास करना है कैसे इसका वर्ब का प्रयोग हमें कहां कहां और किस प्रकार से करना है. ओके, तो ये तीन भाग कौन से हैं. फर्स्ट है यूजेस ऑफ टेंसेस, अर्थात टेंस में प्रयोग करके, यानी टेंस में यदि इसका प्रयोग किया जाए तो कैसे होता है. आपने पढ़े हैं 12 सेंटेंस पढ़े हैं आपने, सॉरी टेंसेस.
ठीक है, ट्वेल्थ टेंस पढ़े हैं आपने, तो उस ट्वेल्थ टेंस में जो वर्ब का यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो टेंस में हम वर्ब का यूज देखते हैं। दूसरा आता है पॉइंट हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। अब एक वर्ब का प्रयोग किया जाता है सीक्वेंस देखकर, उसका क्या सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक। और तीसरा हमारा पॉइंट आता है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, अर्थात एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो एग्रीमेंट है विद इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या है, क्या रिश्ता है, एग्रीमेंट है, अकॉर्डिंग दैट हम वर्ब का यूज करते हैं। तो दीज आर द थ्री पार्ट्स, बाई यूजिंग देम वी कैन लर्न हाउ टू यूज द वर्ब इन सेंटेंसेस। सो नाउ आई विल टेक हियर फर्स्ट यूजेज ऑफ टेंसेस, लेट्स सी। तो अब हम देखते हैं यूज ऑफ टेंसेस, ठीक है। इन यूजेज ऑफ टेंसेस वी विल लर्न हाउ टू यूज सम वर्ड्स एंड वर्ब्स एज वेल। सो लुक हियर, रूल लिया है मैंने, जैसे यस्टरडे, लास्ट, एगो या कोई बीता हुआ वर्ष या तिथि हो यदि वाक्य में, तो वो टेंस जो होगा वो पास्ट टेंस का होगा, राइट। जिससे हमें पता चले जिन वर्डों से, जिस वर्ड से, कि जो बीती हुई तिथि, बीती हुई बात, बीते हुए दिन, बीते हुए साल के बारे में बात करता है, तो वो सेंटेंसेस पास्ट टेंस के होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, टुमारो, नेक्स्ट, ये दोनों वर्ड फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, अर्थात ये फ्यूचर टेंस में इनका प्रयोग हम करते हैं, अर्थात ये वर्ड आए हैं वाक्य में तो हमें पता चल जाना चाहिए कि वाक्य हमारा, सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, राइट। नेक्स्ट वन, टुडे का प्रयोग जो होता है वो तीनों सेंटेंसेस में हो सकता है, मींस टुडे इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन थ्री टेंसेस, यानी तीनों ही सेंटेंसेस में हम टुडे का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, अर्थात तीनों सेंटेंस जो टेंसेस होते हैं उनके सेंटेंसेस में आ सकते हैं, राइट। अब एग्जांपल देखते हैं, यहां पर हमें पता चल जाएगा किस प्रकार से हमें देखना है। जैसे हर सिस्टर वैन टू आगरा टुमारो, अब वैन टू आगरा टुमारो, अब वेंट पास्ट टेंस और टुमारो फ्यूचर टेंस में, देखो यहां किसमें यूज होता है, फ्यूचर टेंस में, और ये पास्ट टेंस और टुमारो का यूज हुआ है, तो इसलिए ये हमारा यहां पर रॉन्ग। इसको हम दो प्रकार से करेक्शन कर सकते हैं अपने बेस पर। फर्स्ट है, हर सिस्टर वेंट टू आगरा यस्टरडे, तो हमने इसको हटाकर यस्टरडे का प्रयोग कर दिया, एक तो तरीका ये है। फिर या फिर दूसरा ये है कि इसके हम वर्ब को ही चेंज कर दें, जैसे हर सिस्टर विल गो टू आगरा, मान लें इसको हम ऐसे कर रहे हैं, हर सिस्टर विल गो टू आगरा टुमारो, ठीक। तो हमने यहां वर्ब को चेंज कर दिया तो हमारा टुमारो सही हो गया। तो दोनों ही प्रकार से हमें ध्यान देना है, इस प्रकार से भी हम चेंज हो सकता है, अर्थात वर्ब को ठीक कर सकते हैं और हम इन शब्दों को बदल के भी वाक्य को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, आई शैल गो टू दिल्ली यस्टरडे, अब मैं दिल्ली जाऊंगा, बात हुआ आगे, और यहां पर क्या है, यस्टरडे, जबकि हमने पास्ट टेंस में अभी यस्टरडे का यूज किया था, ये वाला, तो ये हमारा रॉन्ग है।
क्योंकि सेल आ रहा है, और सेल किसमें आता है? फ्यूचर टेंस में, राइट। क्या हो जाएगा हमारा? आई सेल गो टू, पहले ही टुमारो, यस्टरडे की जगह पे आ जाएगा हमारा यहां पर टुमारो, इसलिए ये हमारा करेक्ट, राइट। थर्ड वन पर देखते हैं, ही विल लर्न टुडे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट टुडे, दैट टुडे इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन एवरी टेंसेस, इन मींस तीनों टेंसेस में हम टुडे का यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हियर इज नो एरर इन द सेंटेंस, क्लियर। इस प्रकार से इसमें कोई भी एरर नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट एंड लाइक। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू सो। I will bring you new videos as well. Thank you.